वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। तो आज के क्लास में हम सीटेट में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि पीआरटी में पूछा हुआ था। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फ्रॉम, यानी कि जो शैशवावस्था की अवधि होती है सामान्य तौर पर वो कितनी मानी जाती है। तो पहला ऑप्शन है बर्थ टू वन ईयर, यानी कि जन्म से लेकर एक साल तक। सेकेंड है बर्थ टू सेकेंड ईयर, यानी कि जन्म से लेकर दो साल तक। थर्ड में बोला हुआ है कि बर्थ टू 3 ईयर्स, यानी कि जन्म से लेकर 3 साल तक, या फिर 2 टू 3 ईयर्स, यानी कि 2 से लेकर 3 साल तक। तो देखिए, इसमें जो हमें जो साइंटिफिक रूप से, फिर हम सिद्धांतिक रूप से एक ही अवधि मानते हैं जो कि है जन्म से लेकर 2 साल तक, विच इज फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे, अ चाइल्ड बिटवीन 2 टू 7 ईयर, यानी कि एक प्याजे जो हमारे सामने आते हैं, वो जो उन्होंने बताया है संज्ञानात्मक थ्योरी दे रखी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उनके हिसाब से 2 से लेकर 7 साल के बीच में अगर कोई बच्चा है तो वो उनकी जो उन्होंने अवस्थाएं दी है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो कौन से स्तर पे होगा। पहला है प्री ऑपरेशनल स्टेज, दूसरा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फोर्थ है सेंसरी मोटर स्टेज। तो देखिए, प्री ऑपरेशनल स्टेज तो हमारे सामने 2 से लेकर 7 साल तक होता है, तो इस वजह से जो ऑप्शन में फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है। सेकंड, जो फॉर्मल स्टेज की बात हो रही कर रहे हैं उसमें बच्चे की जो एज ग्रुप होती है वो 12 से लेकर 18 साल तक होती है, जबकि जो कॉन्क्रीट की बात होती है उसमें 7 से लेकर 12 साल, और सेंसरी मोटर में जो स्टेज होती है वो 0 से लेकर 2 साल तक होती है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम, यानी कि अगर किसी इंसान का विकास होता है डेवलपमेंट, तो वो किस तरह से होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ना जो सिद्धांत दे रखे हैं विकास के, उसके हिसाब से हमें बताना है। जैसे कि पहला है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की तरफ, यानी कि जैसे कि लोगों का विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट होगा, सबका सेम लेवल पे चलेगा, और सर्टन एज या फिर टाइम पीरियड के बाद में वो स्पेसिफाइड रूप से डिफरेंट हो जाते हैं, ये बोल रहा है। सेकेंड में बोल रहा है कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, यानी कि मुश्किल से और ज़्यादा मुश्किल। तो देखिए, ये तो कॉमन ही हो गया कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, ये कोई सिद्धांत वैसे भी नहीं है। थर्ड है स्पेसिफिक टू ईजी, यानी कि मुश्किल से स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्ट से ईजी, यानी कि आसान में। तो ये भी कोई सिद्धांत नहीं है कि आपका जो बच्चों जो लोगों का विकास है वो विशिष्ट से सामान्य की हो जाएगा। थर्ड है, फोर्थ है सिंपल टू इजी। देखो, सिंपल का मतलब क्या हो गया कि असामान्य से इजी, तो सेम ही है, मतलब इसमें कुछ इतना वो नहीं दिख रहा डिफरेंस, सेम बातों को डिफरेंट वर्ड्स में दे रखा है। तो देखिए, बेसिकली हमारा जो सिद्धांत है फर्स्ट जनरल टू स्पेसिफिक, उसमें क्या होता है, देखो बच्चों का जो विकास होता है ना, हर इंसान का जो विकास होता है एक स्तर पर सामान्य रूप से चलता है, यानी कि जो उनका, जैसे कि हम एक एग्जांपल से कितने एक तरीके से समझ सकते हैं कि हम सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं बच्चे, वो एक ही लेवल पे उनके पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, पर एक स्पेसिफिक टाइम आने के बाद वो अपने प्रोफेशन को स्किप को स्विच करते हैं, यानी कि बदलते हैं, यानी कि स्पेसिफिक फील्ड में जाते हैं, या फिर उनका जो विकास होता है वो सामान्य रूप से सबका एक ही तरह का होता है, पर एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, उनमें जो विशेषताएँ हमें दिखने लगती, जैसे कि कोई पेंटर बन सकता जाता है, या फिर कोई कह सकते हैं कि कोई म्यूजिक में अच्छा करने लगता है स्पेसिफिक फील्ड में, फिर साइंस की फील्ड में, आर्ट्स की फील्ड में, कॉमर्स की फील्ड में, अपने फील्डों को बदल लेते हैं, कि जनरल टू स्पेसिफिक उनका विकास हो जाता है। तो यही सिद्धांत क्या था कि विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है, विच इज जनरल टू स्पेसिफिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हेन एडल्ट, यानी कि जब कोई बड़ा इंसान एडल्ट प्रौढ़ावस्था में जो होता है, एडजस्ट टू द असिस्टेंट दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम करंट लेवल ऑफ प्रोफेशन, यानी कि अगर कोई बड़ा इंसान किसी बच्चे के विकास की, उसकी जो प्रगति हो रही है ना, उसको जब उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके जो सामान्य लेवल पे अभी वो बैठा है, मतलब जो वो अभी है उसको और आगे ले जाना चाहता है, टू परफॉर्म करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल, यानी कि जो उसका सामान्य स्तर है उसको बहुत आगे तक, उसके पोटेंशियल लेवल को आगे ले जाना तक जाता है। तो अब इस टाइप की परफॉर्मेंस को हम क्या कहेंगे, पहला है प्रोक्सीमल डेवलपमेंट, तो ये नहीं होगा। सेकेंड है स्केप फोल्डिंग, यानी कि स्केप फोल्डिंग में क्या होता है, आप किसी बच्चे को क्या करते हैं, उनकी विशेषताओं को ले जाने आगे ले जाने के लिए आप उनकी मदद करते हो आपको। तो यहाँ पे हमारा जो स्केप फोल्डिंग है वो करेक्ट है, क्योंकि उसी में क्या होता है कि आप क्या करते हो, एक बच्चे की मदद करते हो ताकि उसकी जो विशेषता है, उसका जो पोटेंशियल है, आप उसको आगे तक लेके जा सको। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाता है। जो थर्ड है वो पार्टिसिपेटरी लर्निंग, तो ये एक लर्निंग का पार्ट होता है, और जो जिसमें बच्चे मिलकर काम करते हैं। और फोर्थ में भी है कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये भी कोलैबोरेटिव लर्निंग भी यही सेम चीज़ है, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। खाली जो स्केप फोल्डिंग इसमें बोला हुआ है हमारे सामने, वो हमारे सामने इसका आंसर है। इस वजह से जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे करेक्ट है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू इंड्यूस न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अब जब हमारे पास ऑलरेडी हमारा स्कीमा स्कीमा यानी कि एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारे ब्रेन में ऑलरेडी किसी चीज़ को लेके फिक्स है, अब उसमें क्या हो रहा है, एक नई इन्फॉर्मेशन को हम ऐड कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे। तो देखिए आपको अगर आपको इस ऑप्शन को समझना है कि आपको करेक्ट करना है, तो आपको पहले बेसिकली आपको जीन प्याजे की थ्योरी का पता होना चाहिए कि उन्होंने ये एडेप्टेशन एसिमिलेशन अकोमोडेशन तीन जो भी इसमें ऑप्शंस में दे रखे हैं, और फोर्थ में ईगोसेंट्रिक। तो देखिए ईगोसेंट्रिक को यहाँ से हटा दीजिए, ये ईगोसेंट्रिक एक्चुअली जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो होता है बच्चे की क्वालिटी होती है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। ईगोसेंट्रिक अहम केंद्रिता की बात हुई, जो ऊपर के तीन ऑप्शन है ना उसको समझिए। पहला है अडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। तो अनुकूलन में क्या होता है, अनुकूलन में ये होता है कि जब बच्चे क्या बोलते हैं किसी चीज़ को अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं, यानी कि जो उनकी इनहेरिट क्वालिटी होती है, जो उनकी जन्मजात प्रवृत्तियाँ होती हैं उनको सीखने लगते हैं, तो वो अडेप्टेशन होता है एनवायरमेंट से। और सेकंड में एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, यानी कि आत्मसत्करण। उसमें होता है कि आप अपने क्या बोलते हैं खुद की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद की जो पहले से क्या बोलते हैं आपके पास जो नॉलेज है उसको यूज़ करते हैं। तो देखिए इस ऑप्शन में क्या बोला हुआ था, ऑप्शन में बोला था कि आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज में आप नई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। अब जब इसमें देखो एसिमिलेशन जो आत्मसत्करण होता है ना वो जीन प्याजे का पार्ट होता है, और उसमें एसिमिलेशन में क्या होता है आप खुद की प्रीवियस नॉलेज को तो यूज़ करते हो पर इसमें आप नई इन्फॉर्मेशन नहीं यूज़ करते। और थर्ड ने बोला हुआ था एकोमोडेशन जो होता है हमारा समायोजना यानी कि किसी चीज़ को समाहित करना। एकोमोडेट मतलब कोई चीज़ हम कुछ ऐड ऑन कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अकोमोडेट क्या हो रहा है न्यू इन्फॉर्मेशन। अगर आपको एसिमिलेशन अकोमोडेशन को समझना है ना तो आपको दो आप में एग्जांपल से समझा सकती हूँ, अगर इसमें अगर आपको डिटेल में समझना है तो बेसिकली अगर ऑप्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन फिक हमेशा आते ही है क्योंकि ये बहुत ही जीन प्याजे का थोड़ा कॉन्सेप्ट है उनका, तो इस वजह से आपको समझना जरूरी है। तो बेसिकली इतना समझ लीजिए कि इसका आंसर जो हमारा होगा वो थर्ड होगा, विच इज़ अकोमोडेशन, जहाँ पे क्या होता है आप नई आपके अपनी खुद के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास जब आप एक नई प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आप खुद की नॉलेज में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करते हैं जब आपके पास एक नई प्रॉब्लम आती है, ताकि खुद को उस प्रॉब्लम को आप टैकल कर सकें उसको सॉल्व कर सकें। इस वजह से अकोमोडेशन यहाँ पे करेक्ट होता है, जहाँ पे आप अपने खुद के एग्जिस्टिंग स्कीमा जो आपने सीख रखा है उसमें खुद की नॉलेज को इन्वॉल्व करते हैं, राइट। तो इस वजह से अकोमोडेशन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इन मिडल चाइल्डहुड यानी कि अभी मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है, स्पीच इज मोर यानी कि जो हमारी भाषा जो होती है वो डैश रेदर देन डैश। देखो देखते हैं ऑप्शंस में क्या दे रखा है। पहला ईगोसेंट्रिक यानी कि हमारी जो भाषा जो होती है वो ईगोसेंट्रिक होती है सोशलाइजेशन के से ज़्यादा, तो ये नहीं है। ईगोसेंट्रिक एक कैरेक्टरिस्टिक तो है बट बेसिकली ये नहीं है ऑप्शन, राइट। सेकंड में देख लिया सोशलाइज और ईगोसेंट्रिक। सोशलाइज मतलब सामाजिक और ईगोसेंट्रिक मतलब अहम केंद्रित, यानी कि इसमें बोल रहा है कि आपकी जो जो बाल्यावस्था होती है ना बच्चों की, तो उसमें क्या होगा उनकी जो भाषा जो होती है वो समाजीकरण के रूप में ज़्यादा हम देख सकते हैं, बल्कि बजाय ईगोसेंट्रिक की। ईगोसेंट्रिक यानी अहम केंद्रित तो इतनी बेस नहीं होती है, वो किस पे होती है सोशलाइज पे ज़्यादा बेस होती है। और थर्ड ने बोला था एनिमिस्टिक और सोशलाइज, तो एनिमिस्टिक तो होगी नहीं, कार्टूनिस्टिक मतलब कार्टून पे क्या मतलब। फोर्थ ने मैच्योर एंड इमेच्योर, देखो मैच्योर तो होगा नहीं बेसिकली, मोर मैच्योर कैसे हो सकता है, उसकी अवस्था इतनी छोटी है मैच्योरिटी की बात ही नहीं हो सकती यहाँ पे। तो खाली जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो सोशलाइजेशन की बात करता है और ईगो सेंटर की बात नहीं करता है कि इसमें बच्चा क्या होगा उसकी जो खुद की जो स्पीच होगी जो बोलने का तरीका होता है वो सामाजिक रूप से ज़्यादा प्रेरित होता है बजाय ईगो सेंटर की यानी कि अहम केंद्रित। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है जो करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बाल केंद्रित शिक्षा की में। अब बाल केंद्रित शिक्षा में तो ये होता है बेसिकली कि आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, आपका फोकस क्या होता है टीचर पे नहीं अध्यापक पे नहीं बच्चों पे होता है, आप उसको किस तरह से उसे खेल खेल के सिखा सकते हैं, मतलब उसको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं बेसिकली, उसे आप जितना इन्वॉल्व करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा में उतना ही अच्छा होता है। तो अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं इसको समझने के बाद। पहला है हैंड ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, यानी कि आप हमको एक्टिविटीज़ की तरह सिखा सकते हैं, हैंड ऑन एक्टिविटीज़ की तरह सिखा सकते हैं। सेकंड ने बोला है चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, यानी कि हम बच्चों को कोने में बैठा सकते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट तो मुझे दिख नहीं रहा, मतलब होता नहीं है। फिर है थर्ड लर्निंग इज इन रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चों को हम एक ऐसा माहौल प्रदान करेंगे जहाँ पे उनको रोका जाएगा, रेस्ट्रिक्ट यानी कि उनको बांधना,
तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ में है एक्टिविटी डैट डोंट इंक्लूड प्ले, यानी कि हम उनको ऐसे ऐसे मतलब एक्टिविटीज़ करवाएंगे जहाँ पे खेल इन्वॉल्व नहीं होगा, यानी कि वो खेलने पे हमारे फोकस नहीं होगा एक्टिविटीज़ में। तो देखिए चाइल्ड सेंटर मेथड का ही मतलब होता है कि आप उनसे कितना इन्वॉल्व करवा सकते हैं, कितनी एक्टिविटीज़ खेल खेल के सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सारे ही सेकंड थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर रॉन्ग दिखे, क्योंकि सेकंड ने बोला था कोने कोने में बैठा दो, थर्ड ने बोला था कि रेस्ट्रिक्ट कर दो यानी कि उसे बांध दो, तो ये तो होगा नहीं राइट। तो इस वजह से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाता है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप उसे जितना खेल के सिखाएंगे वो उतना ही अच्छे से सीखता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि द चाइल्ड द क्लास टीचर ऑब्जर्व, यानी कि एक इसमें बोला कि एक अध्यापक है, क्लास की टीचर है ना, तो वो क्या ऑब्जर्व करती है, वो क्या देखती है। राघव इन हर क्लास प्लेइंग मेलेडियस सेल्फ कंपोज म्यूजिक ऑन हर कीबोर्ड, यानी कि जो राघव है, एक बच्चा राघव, वो एक बहुत ही अच्छे खुद से उसने एक क्या किया, कीबोर्ड पे खुद ही म्यूजिक को कंपोज कर दिया। द क्लास टीचर थॉट डैट राघव सीम टू बी हाई इन डैश इंटेलिजेंस। अब देखो राघव ने क्या किया, म्यूजिक कंपोज किया कीबोर्ड पे। अब किसकी बात हो रही है, म्यूजिक की। अब इसके बाद बोल रहा है कि ये देखने के बाद कि राघव ने म्यूजिक कंपोज किया है, टीचर को ये लगता है कि उसके पास किस तरह की बुद्धि है, किस चीज़ की बुद्धि उसमें ज़्यादा है, उसकी पोटेंशियल ज़्यादा है। तो देखो पहला है स्पेशियल, तो वो नहीं होगा। सेकंड है बॉडी काइनेस्थेटिक, यानी कि जो शारीरिक क्षमता होती है तो वो स्पोर्ट्स के लिए होती है। थर्ड हो गया म्यूजिकल, जो म्यूजिक के लिए होती है। फोर्थ है लिंग्विस्टिक, भाषाई बुद्धि, जो जिसमें बच्चे ज़्यादा वो लिटरेचर में जा सकते हैं, मतलब यही पोइट्स हो गया, राइटिंग हो गया, इसमें बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं राइट। तो देखो इसमें किसकी बात हुई थी, म्यूजिक की बात हुई है, कि किसने कंपोज किया है वो किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस करेक्ट नहीं, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है कि व्हेन अ टीचर कंसीडर बॉयज एज नेचुरल बेटर एट मैथमेटिक्स, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अध्यापक को क्या लगता है कि बच्चे जो लड़के होते हैं बेसिकली नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक रूप से वो लोग मैथ बहुत अच्छा करते हैं, यानी कि उनमें जो लड़कियों से बहुत अच्छा मैथ करते हैं, क्यों, उनकी ये सोच है बेसिकली, इट्स सोच दैट द टीचर। अब देखो आप उसकी सोच के हिसाब से ना हमें क्या पता चला उस अध्यापक के बारे में जो उसकी इस तरह की माइंडसेट है। तो पहला दे रखा है कि एथिकल, यानी कि सही है, मतलब इस पॉइंट्स को जो सोच है ना वो बिल्कुल ठीक है, एथिकल है। सेकंड है जेंडर बायस, यानी कि यहाँ पे लिंग पक्षपात की बात हो रही है। थर्ड में बोल रहे हैं मोरलिस्टिक, यानी कि मौलिक रूप से भी सही बोल रहे हैं। फोर्थ में बोला कि राइट माइंडेड, यानी कि बहुत ही इनकी सोच उस तरफ, सोच ही उनकी थोड़ी राइट माइंडेड है, उस तरह की उसे सोचते हैं राइट। तो देखो एथिकल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही एकदम से मतलब कहाँ से सही है, मतलब कुछ वही नहीं है। यहाँ पे हमें साफ तरीके से जेंडर वाइज दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हो, लिंग पक्षपात कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर राइट, कि आप क्या कर रहे हो, रूढ़िबद्ध तरीके से जो चीज़ें बातें बोली जाती हैं उसको मानते हो, जो तथ्यों को मानते हो, इस वजह से आपकी ये बातें सामने हमारे सामने आती हैं। इस वजह से जो जेंडर बायस है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, बाकी ऑप्शंस रॉन्ग है, क्योंकि मोरलिटी भी कुछ नहीं है और राइट माइंडेड यानी कि इस तरह की सोच भी उनकी मतलब क्या सही ठहरा सकते हैं हम लोग। टेंथ ने बोला हुआ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन अज्यूम्स दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश, यानी कि अब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें, यानी कि समावेशी शिक्षा जहाँ पर हर तरीके के बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये हमारा स्पेशल किड्स को, हमारा जो बच्चे वंचित ग्रुप के होते हैं और फिर डाइवर्स कल्चर के होते हैं, सब बच्चों को समाहित करके पढ़ाया जाता है इंक्लूसिव में। तो ये बोल रहा है कि इस तरह की कक्षाओं में या फिर क्लास में एजुकेशन में किस चीज़ को फिट किया जाएगा। दो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है कि हमें क्या बदलना चाहिए, पहले कि चाइल्ड को बदलना चाहिए ताकि वो सिस्टम में एडजस्ट हो सके। देखो आप बच्चों को कैसे बदलेंगे सिस्टम में एडजस्ट होने के लिए, मतलब अगर हमारा सिस्टम कह रहा है कि आपको क्या बोलते हैं, बच्चों को ज़बरदस्ती पढ़ाना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं पढ़ा तो ज़बरदस्ती पढ़ाओ इंक्लूसिव एजुकेशन में, वो अगर कमज़ोर है तो उसको ज़बरदस्ती फोर्स करो, आपको नहीं, आपको बच्चों को क्या करना है, आपको बच्चों को नहीं बदलना है बल्कि आपको अपने सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि अगर आप सिस्टम को बदलेंगे तभी तो बच्चे उसमें एडजस्ट होंगे। आपको बच्चों के हिसाब से बदलना है कि बच्चों को सिस्टम के हिसाब से, सिस्टम को हमेशा हर जगह सिस्टम बदलने की ज़रूरत होगी, ना कि हम लोगों को, सिस्टम ही गलत होता है ना। तो देखो चाइल्ड की बात हो रही थी कि चाइल्ड को फिट होना पड़ेगा सिस्टम में, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है कि बच्चों को आप एडजस्ट करोगे सिस्टम के हिसाब से, नहीं। सेकेंड बोला था सिस्टम को क्या करोगे, बदलोगे, वी शुड चेंज द सिस्टम
टू फिट द चाइल्ड। अब देखो, अब हमें अभी कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा क्या बोलते हैं देख नहीं सकते, तो आप सिस्टम में क्या बदल सकते हो, आप उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हो। अगर कोई बच्चा वांछित है, वांछित रूप से नहीं कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आया है, तो आप उसके हिसाब से अपना सिस्टम चेंज कीजिए। अगर उसके पास फैसिलिटीज नहीं, तो आप उसको प्रोवाइड कीजिए, राइट। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, हमको ऐसे ही ठीक दिख रहा है कि हमको सिस्टम बदलने की जरूरत है, ना कि बच्चों को, ताकि बच्चे उसमें एडजस्ट हो सके। थर्ड ने बोला था कि आपको इन्वायरमेंट चेंज करने की जरूरत है, ताकि फैमिली में एडजस्ट हो सके। तो ये तो कोई है नहीं इंक्लूजिंग का, इंक्लूजिव फैमिली कहाँ से आ गई एजुकेशन में यहाँ पे। फोर्थ में है चाइल्ड एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आपको चाइल्ड को बदलना चाहिए, ताकि वो इन्वायरमेंट में फिर से बच्चों को बदलने की बात हो रही है। तो ये तो हमें ऐसे ही इनकरेक्ट दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे को सामने से ही करेक्ट दिख रहा है। 11 क्वेश्चन में 11 ने बोला हुआ है कि चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज, यानी कि बच्चों के पास एक क्षमता होती है कि वो ज्ञान को बना सके, राइट, ज्ञान को बना सके, ताकि मीनिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द रोल ऑफ अ टीचर इज, यानी कि अगर आप ये बात को समझ रहे हैं कि बच्चे जो होते हैं खुद की नॉलेज को खुद ही डेवलप करते हैं और खुद ही समझते हैं, तो इस बात के हिसाब से एज अ टीचर, आप अध्यापक के रूप में आप सोचिए कि रोल क्या होगा आपका। पहला है नेगोशिएटर, यानी कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं उसकी बातों को, राइट। सेकंड है कम्युनिकेटर एंड लेक्चरर, यानी कि देखो लेक्चरर बोल दिया है यहाँ पे, लेक्चर तो हो गया, तो बिल्कुल ही मतलब जाना मत ऑप्शन की तरफ में, क्योंकि लेक्चर का यहाँ पे सीधा सा वो होता है कि बातचीत करके करवाएं, फिर लेक्चर वन वे हो जाता है इस टाइप से। फैसिलिटेटर, देखो फैसिलिटेटर को नाम यहाँ याद कर लो कि टीचर एक फैसिलिटेटर होता है नॉलेज का, यानी कि ज्ञान का वो क्या करता है, आदान प्रदान करता है। जो हमारे NCERT में भी बोला हुआ है कि टीचर हमको फैसिलिटेटर की तरह देखते हैं, उसका काम होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट से कैसे जोड़ के बच्चों को पढ़ा सकता है, हाउ ही कैन डू इट, राइट। तो ये बात सारी हमको बता, मतलब टीचर के लिए एक ही काफ़ी वर्ड स्पेसिफिक है फैसिलिटेटर, उसे याद करने की जरूरत है। फोर्थ है डायरेक्टर, यानी कि निर्देशक, तो निर्देशक तो वो कभी होगा नहीं, खाली बच्चों को निर्देश दे के अगर पढ़ा रहे हो तो मतलब क्या मतलब बनता है, खाली निर्देश दिए जा रहे हो। तो अगर आप उसको ज्ञान के उसको अर्जन करवाना है, तो वो सबसे बेस्ट है कि आप उसे फैसिलिटेटर के तरीके से सामने आइए आप उसके लिए। इस वजह से यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ यहाँ पे इनकरेक्ट है, जबकि थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, यानी कि इनमें से कौन सा एक जो आइडल बच्चे होते हैं, गिफ्टेड बच्चे होते हैं जिनका IQ 120 के ऊपर होता है, जो बहुत ही मतलब 2% होते हैं, हाँ राइट, हाँ 2% होता है ऑलमोस्ट, तो उनका विशेषता क्या होती है। तो पहला है कि हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, सॉरी उनकी विशेषता क्या नहीं होती है ये पूछा हुआ है, मैं नॉट भूल गई, सॉरी। देखो पहला क्या बोल रहा है कि हाई ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, यानी कि उनकी जो दिमागी बौद्धिक क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो सही बात है भाई, इतना इंटेलिजेंस लेवल लेके घूमोगे तो मेंटल प्रोसेस तो ज़्यादा है ही। सेकंड ने बोला कि हाई सेल्फ एफिशिएंसी, यानी कि वो खुद में इतना मतलब सेल्फ एफिशिएंसी मतलब खुद के लिए बहुत पर्याप्त होता है, खुद की चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है। फिर थर्ड ने बोला है कि बिलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, यानी कि उनका जो बुद्धि क्षमता होती है सामान्य से भी नीचे होते हैं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि सामान्य की तो बात क्या, सामान्य की तो 90 के ऊपर होती है, जबकि इनकी जो बुद्धि लब्धता आती है वो 20 के ऊपर होती है, तो एवरेज से नीचे कैसे हो सकता है इनकी मेंटल प्रोसेस। बल्कि तो इनका तो लेवल तो क्रिएटिव बच्चों से भी ऊपर आता है, जो सबसे मतलब वो जो नॉर्मल के ऊपर जो क्रिएटिव बच्चे का नंबर आता है उनके बाद की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, उसकी क्वालिटी नहीं है, नहीं पे ध्यान रखिएगा, नहीं की बात हो रही है। फोर्थ ने बोला है सॉल्विंग प्रॉब्लम इनसाइटफुली, यानी कि जो प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से घुस मतलब अच्छे से उसमें मिलके सॉल्व करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्थ आंसर यहाँ पे हमारा सही नहीं है, मतलब सही नहीं है इन सेंस की उसकी विशेषता तो है, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नॉट की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाता है। अब सॉरी, इसमें क्वेश्चन में टाइटल ने बोला है कि अकॉर्डिंग टू प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कॉल्सबर्ग, यानी कि किसकी बात हो रही है, कॉल्सबर्ग की बात हो रही है, उन्होंने जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है उसके हिसाब से बात हो रही है कि अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कॉल्सबर्ग थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न वेन मेकिंग अ मॉरल डिसीजन, यानी कि इसमें बात करें कि अगर एक बच्चा, क्योंकि प्री कन्वेंशनल स्टेज की बात हो रही है, ये जो फर्स्ट स्टेज है, तीन स्टेज उन्होंने दी थी, प्री कन्वेंशनल स्टेज फर्स्ट स्टेज है, उसके हिसाब से अगर एक बच्चा प्री कन्वेंशनल स्टेज में है तो उसके हिसाब से वो अपने जो मोरल डिसीजन है वो किस हिसाब से लेगा। तो पहला ऑप्शन है पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, यानी कि वो इस वजह से लेगा क्योंकि उस कहीं उसको पनिशमेंट ना मिले। सेकंड है पर्सनल नीड्स एंड डिजायर, यानी कि खुद की इच्छा को पूरी करने के लिए
जरूरतों को। थर्ड ने बोला हुआ है कि इंडिविजुअल वैल्यूज, यानी कि खुद की जो उसके मूल्य हैं उसकी बात करिए। फोर्थ है फैमिली एक्सपेक्टेशंस, देखो इसमें बोल रहे हैं कि परिवार की उम्मीदों के लिए। तो देखिए फर्स्ट स्टेज में जो बात होती है, जो प्री कन्वर्सेशनल स्टेज में बात होती है, उसमें बच्चे क्या कहते हैं पनिशमेंट के रूप में ज़्यादा काम करते हैं। फिर कह सकते हैं कि उनका जो काम होता है उस पर रिवॉर्ड्स पर ज़्यादा डिपेंड करता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो इसमें जो इस वजह से जो ऑप्शन फर्स्ट है कि पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, यानी कि उनके काम को आप इस तरह से जो उनको काम करवा सकते हो, राइट, उनके डिसीजन उस पर बेस होते हैं, इस वजह से पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट को तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है कि रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड, यानी कि अगर आप ये देखते हैं कि जो बहुत सारे अधिगमकर्ता होते हैं उनमें क्या होता है कि विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो बहुत सारे पक्ष में हो सकता है, तो एज अ टीचर आपका क्या काम होगा। पहला है कि प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, यानी कि आप उनको पढ़ने के लिए बहुत सारे सिचुएशन दे सकते हैं। सेकंड में बोला हुआ है कि सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिटेक्टिव मेथड, यानी कि आप उनको क्या कर सकते हैं, जो हमारे निगमनात्मक जो मेथड होता है जो जो होती है उसमें, जैसे कि उसमें क्या होता है कि आप बच्चों को निष्कर्ष से उदाहरण की तरफ लेके जाते हैं, आप उस तरह के मेथड को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड में बोला हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यूज एल्गोथ्योरी में, कि बहुत सारे टाइम आप एल्गोथ्योरी में कि जो मैथ्स वैथ्स जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसकी बात हो रही है। फोर्थ ने बोला कि प्रोवाइड फैक्ट टू स्टूडेंट टू मेमोराइज देम, यानी कि आप उनको तथ्य प्रोवाइड कीजिए ताकि वो उसको याद कर सके। तो देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड तो होगा नहीं डिडक्टिव मेथड के बारे में, क्योंकि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, तो आपको तो उदाहरण की तरह यूज़ करना चाहिए। इंडक्टिव मेथड तो सोच भी सकते थे, बट यहाँ पे हमें वो भी थोड़ा टू द पॉइंट लगता नहीं। थर्ड ने बोला था कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखो मैथ का भी कुछ है नहीं रोल यहाँ पे। फोर्थ ने बोला हुआ है कि लर्निंग की मेमोराइज की बात कर रखी है, तो वो भी यहाँ पे सही नहीं है। खाली जो ऑप्शन नंबर में 1 में बोला हुआ है कि आप उसको बहुत सही लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको इनकी जहाँ पे वो सीख सके अपने अपनी क्षमता के आधार पर सिचुएशन में उनको डालिए और उसके हिसाब से वो क्या कर सके उस चीज़ को सीख सके। इसलिए ऑप्शन में जो फर्स्ट है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे विकास के सिद्धांतों की बात हो रही है। अब देख लेते हैं कि उनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो बस याद कीजिए कि कौन सा सिद्धांत है। पहला है कि ऑल डेवलपमेंट फॉलो अ सीक्वेंस, यानी कि जितनी भी डेवलपमेंट होती है ना लोगों की वो एक सीक्वेंस में होती है, तो सही बात है। सीक्वेंस में कैसे होती है, जैसे कि अगर किसी मतलब लोगों का अगर आज एक शब्द बोला है तो कल दो शब्द बोलेंगे, फिर एक लाइन बोलेंगे, आज उसने बच्चे ने रेंगना सीखा है, रेंगना मतलब कि क्रॉल करना सीखा है, तो फिर वो थोड़ा चलेगा फिर दौड़ेगा, इस तरह से यानी कि एक विकास का एक सीक्वेंस होता है, हर किसी का विकास एक ही सीक्वेंस में चलेगा। ये नहीं कि ये थोड़ी ना होगा कि मतलब कि आज दौड़ना चालू हो गया कल फिर वो चलना शुरू हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं ना, बेसिकली एक सीक्वेंस होगा। फिर सेकंड ने बोला कि ऑल एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट, यानी कि विकास के हर एक क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो ये भी ठीक है क्योंकि विकास का क्या होता है अगर डिफरेंट डिफरेंट विकास हो रहे हैं तो वो सभी इम्पॉर्टेंट है, एक क्योंकि विकास सिर्फ एक तो है नहीं, उसके बहुत पक्ष आते जाते हैं, सामाजिक नैतिक भावनात्मक शारीरिक और पता नहीं कितने। फोर्थ थर्ड ने बोला है कि ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम एन इंट्रैक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी कि जितने भी विकास होते हैं वो किसका रिजल्ट होते हैं, मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस का, यानी कि जो वो बच्चे में परिपक्वता आ रही है और जो एक्सपीरियंस कर, यानी कि अनुभव कर रहा है। देखो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे अपने समाज से घुलने मिलने लगते हैं, चीज़ों को देखने लगते हैं, तो उनमें खुद की एक मैच्योरिटी लेवल आ जाती है, चीज़ों को समझने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं जैसे उनकी एज बढ़ती है, तो वो भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है कि वो ही उसका रिजल्ट होता है बेसिकली। फोर्थ ने बोला हुआ है कि ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट इक्वल रेट, यानी कि जितने भी विकास होते हैं ना जिस भी तरह का विकास होता है वो और जो लर्निंग होती है वो सब में इक्वल रेट पे होती है। इक्वल रेट मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपने आज कुछ सीखा है, आपने आज इंटेलिजेंस की बात शारीरिक रूप से बात करूँ तो लर्निंग की बात करें तो ऐसे सीखते कि आज आप दो बच्चे हैं, अगर इसने आज पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया है मैथ का, ज़रूरी तो नहीं है कि सेकंड वाले ने भी समझ लिया हो, यानी कि जो उनकी लर्निंग की स्पीड है वो कभी भी एक नहीं होगी, क्योंकि हमारे सामने ये जो लर्निंग की चीज़ सार्वभौमिक नहीं होती, यूनिवर्सल नहीं होती है, लर्निंग इज इंडिविजुअलाइज, यानी कि अपने एक कह सकते हैं कि हर खुद की एक इंसान की लर्निंग अपनी खुद की होती है, तो वो भी कभी इक्वल रेट पे नहीं होगी, वो हमेशा डेवलपमेंट में विकास में ये चीज़ समय हमेशा याद रखिएगा, हर इंसान की जो जो ये अपनी लर्निंग होती है जो अधिगम होता है वो अलग अलग होता है और अलग अलग
रेट पे होता है। हो सकता है कि आज कोई बच्चा जल्दी सीख जाए, कोई बच्चा देर से सीखे, एक ही चीज़ को दो बच्चे अलग अलग, तीन बच्चे सब अलग स्तर पे सीखते हैं। इस वजह से प्रिंसिपल क्या नहीं होगा, फोर्थ इसका प्रिंसिपल नहीं होगा, सिद्धांत नहीं होगा कि सब बच्चों का लर्निंग जो होती है वो एक ही रेट पे होती है, एक रेट पे नहीं होती है। आप क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा पक्ष है जब हम आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं बच्चों का, तो सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला है असेसमेंट शुड बी एट द एंड ऑफ द सेशन, यानी कि जो बच्चों का आकलन जो होगा ना वो जब एक सेशन, यानी कि जो पूरा जो ईयर खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो गई उसके बाद लीजिएगा मतलब पूरा, तो देखिए वो तो होगा नहीं, क्योंकि असेसमेंट का मतलब होता है कि आप किस तरह से बच्चों का आकलन करते हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम होना ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना अब बच्चों की कमियों को नहीं जान पाएंगे। तो देखो ये तो होगा नहीं, इसे रॉन्ग कर दीजिए। सेकंड में असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग, यानी कि असेसमेंट क्या है, आकलन क्या है, इनबिल्ट प्रोसेस, उसमें उसके अंदर ही समाहित है। जैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हो रही है बच्चों और टीचर्स के बीच में, जो एक ये प्रोसेस चल रहा है वो उसी के अंदर समाहित होता है कि आप जैसे जैसे बच्चों की लर्निंग करवा रहे हैं उसके अंदर ही आप लोग ये प्रोसेस करेंगे, राइट। तो ये बोल रहा है। थर्ड ने बोला है कि असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस इन एन अकेडमिक सेशन एट द बिगनिंग एंड एट द एंड, यानी कि बोल रहा है कि असेसमेंट जो होगा वो दो टाइम होगा, शुरुआती असेसमेंट होगा और एंड में होगा, जब क्लास शुरू होगी और एंड में। तो देखो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे मान लीजिए एक एफए ऐसे की बात करें तो एफए भी इतने होते हैं, एक ज़्यादा ही होते हैं, और ऐसे तो भाई है ना। तो देखो खाली सिर्फ दो बार करने से तो होगा नहीं, क्योंकि बीच में बहुत सारे असेसमेंट होते हैं, क्लासरूम असेसमेंट होता है और बहुत कितने होते हैं, तो खाली दो ही तो नहीं होते हैं। फोर्थ में बोला असेसमेंट शुड बी डन एंड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी एंड नॉट बाय द टीचर, यानी कि आकलन जो होता है ना आप उसको एक एक्सटर्नल फैक्टर की तरह देखिए, एक बाहरी तत्व की, जो एक टीचर के द्वारा नहीं, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे बच्चों को एक्सेस करने के लिए, पढ़ाया आपने बाहर से आएंगे, देखिए बाहर से तो आते हो वो बहुत ही आगे लेवल पे होता है, बट बेसिकली आप अगर क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो टीचर आप ही आकलन करोगे बच्चों का, उसके टेस्ट लोगे, जो बहुत ही इनबिल्ट प्रोसेस है, जो सेकंड ऑप्शन में सेकंड ने बोला हुआ था वो करेक्ट है, क्योंकि असेसमेंट आकलन क्या होता है, एक बहुत ही बंधा हुआ प्रोसेस होता है, इनबिल्ट प्रोसेस होता है लर्निंग और टीचिंग में, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, यानी कि इनमें से कौन सी थिंकिंग की बात हो रही है। अब देखो क्रिएटिविटी की बात हो रही है तो आपको बताना है कि कौन सी ये जो थिंकिंग है, जो सोच है वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। पहला है डाइवर्स थिंकिंग, जो होता है अपना अपसारी सोच होता है, हाँ उसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो डाइवर्स, देखो डाइवर्स से ही मतलब समझ में आता है कि जो बहुत फैली होती है चीज़ें, जैसे मूल्यों की बात, तथ्यों की बात, ये सब बच्चे क्या करते, कैसे सीखते हैं थिंकिंग, जो बाहरी तरीके से वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। डाइवर्स होता है जैसे कोई चीज़ डाइवर्स होती है, बहुत फैली हुई होती है, राइट। और कन्वर्स, देखो सेकंड में क्या होता है, कन्वर्स। अब कन्वर्स क्या हो गया, यानी कि जो थिंकिंग कन्वर्स है, जो बाहर तरीके से नहीं सोचता, बस बहुत ही बंधे हुए रूप में जो थिंकिंग होती है वो होती है कन्वर्स, और डाइवर्स होती है जो फैले तरीके से, जिसमें अच्छे मतलब मूल्यों की बात होती है, इन सब की बात होती है ना। तो क्रिएटिविटी किस चीज़ से रिलेटेड होती है, नई इन्फॉर्मेशन से, नई चीज़ों को क्रिएट करने से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डाइवर्जन होगा, एक फैलाव की तरह से हम देख सकते हैं। और इमोशनल तो होगा नहीं, क्योंकि इमोशनल का कुछ है नहीं रोल। इगोस्टिक यानी कि अहम केंद्रिता की भावना क्रिएटिव में बच्चों में हो सकती है, नहीं हो सकती है। उनकी तो मेन प्रोस्पेक्टिव से आपको डाइवर्स देखना पड़ेगा, यानी कि अपना क्या हो जाएगा, अपसारी थिंकिंग, जिसको हम कहते हैं अपसारी सोच, जहाँ पे वो बच्चे कैसे सोचते हैं बहुत ही फैलाव तरीके से, जहाँ पे उनके मूल्यों को डाइवर्स थिंकिंग करते हैं, तो ये वो उसका क्रिएटिविटी इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डाइवर्स थिंकिंग। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन वुड वाइगोत्स्की एग्री विथ, यानी कि इनमें जो वाइगोत्स्की हैं वो किस बात से एग्री करेंगे बच्चों के बारे में। तो पहला बोला हुआ है कि चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंट्रैक्शन विद अ पीयर एंड एडल्ट्स, यहाँ पे सोशल इंट्रैक्शन की बात हो रही है। तो देखो जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की, जिसके अंदर बच्चे कैसे सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, जब वो अपने समाज से इंट्रैक्ट करते हैं उसी के हिसाब से वो धीरे धीरे अपनी नॉलेज को, अपनी लैंग्वेज को ग्रहण करते हैं, जैसे उसका कल्चर है उस तरीके से। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट में चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंट्रैक्शन विद द पेयर्स एंड एडल्ट, यानी कि बच्चे कैसे सीखने लगते हैं, जब वो अपने बड़ों से और अपने साथियों से इंट्रैक्ट, यानी कि उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है उसका, वहाँ से बातचीत की बहुत बात कर रहे हैं, है ना, ये बोल रहा है फर्स्ट में। सेकंड में क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड
लुकेटिव रिवॉर्ड, देखो यहाँ पे अवार्ड की बात हो रही है, तो अवार्ड का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। थर्ड में बोला चिल्ड्रन थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंड्यूसिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, तो यहाँ पे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की बात करें तो उसका भी कुछ यहाँ पे कुछ काम नहीं है। फोर्थ में बोला है कि चिल्ड्रन आर बॉर्न एविल, बहुत ही शैतान होते हैं बच्चे, एंड नीड टू बी कंट्रोल थ्रू पनिशमेंट, और हमको उनको कंट्रोल करना चाहिए पनिशमेंट देके। तो देखिए यहाँ भी कुछ मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब वैलिडी कुछ कुछ पॉइंट नहीं है। खाली जो ऑप्शन में इंटरेक्शन की फर्स्ट में बात हो रही थी कि बच्चों को क्या करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए बड़ों के साथ में, वो यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक जो सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि एक जो लर्नर होता है उसको, बच्चे जो होते हैं वो समाज से बहुत अच्छे से सीखते हैं, सोशली जो ये जो इंटरेक्शन की बात होती है इसमें आती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में बोला हुआ है कि चाइल्ड चिल्ड्रन आर, यानी कि जो बच्चे जो होते हैं उसके बारे में पूछें, क्यूरियस बींग्स वो यूज देयर ऑन लॉजिक एंड एबिलिटीज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम, यानी कि बहुत ही जिज्ञासु होते हैं और अपनी जो उसके आसपास के जो चीज़ें हैं उसको लॉजिक को एबिलिटी को एक्सप्लोर करते हैं, खुद की लॉजिक से खुद की क्षमता से एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में। सेकेंड में देखो ये तो हमें सही लग रहा है, सेकेंड में बोला है कि एडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग एंड देयर इज अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन, देखो पहले क्या बोल रहे हैं, एडल्ट लाइक इन देयर थिंकिंग, यानी कि बड़ों की तरह सोचते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं, एंड देयर इज अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन देयर थिंकिंग एज दे ग्रो अप। क्वांटिटेटिव की बात करें, देखो क्वांटिटेटिव और क्वालिटी, क्वालिटी की बात नहीं करें, क्वालिटी मतलब होता है गुणात्मक, जब जब हम किसी की क्वालिटी देखते हैं, बल्कि क्वांटिटी होता है मात्रा, जब हम किसी की मात्रा की बात करें। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो बच्चों की जैसे जैसे थिंकिंग में ग्रोथ होती है मात्रात्मक रूप से, तो उसकी बात हो रही है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि बच्चे एडल्ट की तरह नहीं सोचते हैं। थर्ड है कि लाइक एम्पटी वैसल इन विच नॉलेज इज गिवन बाय द एडल्ट इस फील्ड, यानी कि एक खाली बर्तन की तरह होते हैं जहाँ जिस जिसमें बच्चे जो जिसमें क्या 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 करते हैं बड़े लोग नॉलेज डाल देते हैं, तो ये भी नहीं है आप ठीक है। फिर है पैसिव बींग्स हु कैन प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड टू देम, तो ये भी नहीं होगा कि एक पैसिव, देखो पैसिव बींग क्या हो गया, एक मूक दर्शक के रूप में कह सकते हैं, या फिर कुछ एक्टिव नहीं है, वो लोग खुद ही उस चीज़ को नहीं सीख रहे हैं, पैसिव रोल जिनको कोई सिखा रहा है पैसिव रूप से, और क्या कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को बस ट्रांसमिट करते रहते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट नहीं है। खाली जो फर्स्ट में बोला हुआ था कि बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है खुद की नॉलेज को डेवलप करने के लिए, खुद की एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए, है ना, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट 20 में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन एरर्स इज करेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उस बारे में जो चीज़ें होती हैं वो सही हैं। पहले चिल्ड्रन कमिट्स एरर्स, देखो इसमें पूछा क्या हुआ, इसमें बेसिकली यही पूछा हुआ है कि अगर कोई बच्चा गलती करता है तो ये स्टेटमेंट बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। चिल्ड्रन कमिट एरर्स बिकॉज दे आर केयरलेस, इनकी बच्चे क्यों गलती करते हैं, क्योंकि वो केयरलेस होते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, तो ये करेक्ट नहीं है, राइट। चिल्ड्रन एरर्स आर अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो उनके सीखने के तरीके का एक पार्ट होता है, एक उसकी उसकी एक उसका उसका हिस्सा होता है, तो ये हम देख सकते हैं। आगे देखते हैं, पहले करेक्ट लग रहा है, आगे देखो देखते हैं। चिल्ड्रन कमिट एरर्स वैन द टीचर इज लीनियंट एंड डज नॉट पनिश दैम फॉर मिस्टेक्स, यानी कि क्या बोल रहे हैं, जब जो अध्यापक होती है ना लीनियंट, यानी कि बहुत ही छूट दे देना किसी को, बच्चों को छूट दे देती है, एंड डज नॉट पनिश दैम फॉर दे मिस्टेक, अब उसको क्या करती है, अब गलतियाँ कर रहा है तो उसको पनिशमेंट नहीं दे रही है, इसलिए बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं, ये बोल रहा है ऑप्शन में। फिर फोर्थ ने बोला है कि चिल्ड्रन एरर्स आर इनसिग्निफिकेंट फॉर देयर टीचर, मतलब ये महत्वपूर्ण नहीं है टीचर के लिए, एंड सी शुड जस्ट स्ट्राइक आउट द मिस्टेक एंड नॉट पे एनी अटेंशन टू देम, तो ये बोल रहे हैं कि जो एरर्स बच्चे कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, इनसिग्निफिकेंट है टीचर्स के लिए, और टीचर्स को क्या करना चाहिए, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो देखो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, अगर बच्चे गलतियाँ कर रहे हैं तो आपको तो जिम्मेदारी है कि उसको सही करवाओ, राइट। जैसे फर्स्ट में बोला था कि बच्चे क्यों गलती करते हैं, क्योंकि वो केयरलेस होते, तो ये भी रॉन्ग है। सेकंड ने बोला हुआ था कि ये उसके लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कुछ भी सीखते हैं कि बड़े बच्चे क्या, बड़े भी अगर कुछ सीखते हैं तो गलतियाँ तो करते ही हैं, फर्स्ट टाइम में तो कोई चीज़ अच्छे से नहीं लर्न की जा सकती, बल्कि अगर आप मिस्टेक्स करेंगे तो तभी आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आप मिस्टेक्स को फिर सही कर सकते हैं। तो इस वजह से जो ये बच्चों के एरर है वो हमें बताता है कि एक ये हमारी जो लर्निंग अधिगम की जो प्रक्रिया होती है
उसका एक हिस्सा होता है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला हुआ है कि अ टीचर नीड्स टू इंश्योर डैट ऑल लर्नर्स इन हर क्लास, यानी कि एक अध्यापक को ये बहुत ही इंश्योर, यानी कि एक देखना चाहिए कि जो अधिगम करता है, जो लर्नर है आप क्लास में, बच्चा जो है फील एक्सेप्टेड एंड वैल्यू, यानी कि उसको उसको क्या करें, उसको बच्चे वैल्यू करें और उसको एक्सेप्ट करें। तो टू डू दिस, यानी कि इसे करने के लिए आप एज अध्यापक, आप एज अ टीचर क्या करेंगे। तो पहला बोला हुआ है कि मेक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पनिश चिल्ड्रन वो डोंट फॉलो विद देम, यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि आप रूल्स बना सकते हैं जो बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं होगा। फिर बोला कि लुक डाउन अपॉन द चिल्ड्रन फॉर डिसएडवांटेज बैकग्राउंड सो डैट दे हैव टू वर्क हार्डर, यानी कि आप इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को देखिए कि वो कौन से ग्रुप से आ रहे हैं। लुक डाउन अपॉन चिल्ड्रन फ्रॉम जो डिसएडवांटेज ग्रुप से बच्चे आते हैं, यानी कि जो वंचित क्षेत्र से बच्चे, हो सकता है आर्थिक रूप से हो या फिर और कोई क्षेत्र हो, और उनको क्या कह सकते हो कि आप बहुत मेहनत करो। थर्ड ने बोला कि फाइंड आउट स्टूडेंट्स हु स्पीक गुड इंग्लिश एंड आर फ्रॉम रिच बैकग्राउंड एंड प्रेजेंट देम एज अ रोल मॉडल्स, यानी कि आप क्या करो, जो बच्चे अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो रिच बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप उनको बच्चों के सामने खड़ा कर दो कि देखिए ये रिच बैकग्राउंड किसे हैं, ये इंग्लिश अच्छा बोलते हैं, तो ये आपके क्या हैं, रोल मॉडल हैं, इनको फॉलो कीजिए। तो ये तो ऐसे ही इनकरेक्ट है, मतलब है। फोर्थ ने बोला टू गेट नो द सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ अ स्टूडेंट्स एंड इंकरेज डाइवर्स ओपिनियंस इन द क्लास। ओके, तो इसमें बोल रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो कि बच्चों के सोशल सामाजिक सांस्कृतिक जो कल्चर बैकग्राउंड है उसको जानिए और इंकरेज कीजिए, डाइवर्स ओपिनियंस दीजिए, उनकी जो बातें हैं ओपिनियंस है वो क्या सोचते हैं चीज़ों को लेके वो क्लास में लेके आइए। उससे क्या होगा, बच्चे खुद की वैल्यू करने लग जाएंगे, जो उनके जो, क्योंकि वो देखेंगे कि हाँ भाई हम अकेले तो हैं नहीं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चे हैं अलग अलग कल्चर के, तो वो मिलजुल के अपनी ये वैल्यू करेंगे इस तरीके से। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वो करेक्ट है, बाकी ऑप्शन लोग हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 में बोला हुआ है कि जनरली सुरेश जो है जनरली लाइक्स टू स्टडी अलोन इन द क्वाइट रूम। अच्छा, तो इसमें बोल रहा है कि सुरेश जो है वो क्या कहते हैं, वो क्लास में अकेले बैठकर पढ़ना पसंद करता है, जबकि मदन लाइक टू स्टडी इन अ ग्रुप विद हिज फ्रेंड, जबकि जो मदन है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, हो सकता है ग्रुप में बैठ के पढ़ना पसंद करता है, राइट। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। अब ये जो बातें हैं सुरेश और मदन के बीच में, जो उनकी जो डिफरेंट टाइप के लर्निंग स्टाइल्स देख रहे हैं हम लोग, पढ़ने की जो उनकी जो शैली देख रहे हैं, बेसिकली यही दिख रहा है। तो ये डिफरेंसेस किस वजह से है, पहला है कि वैल्यूज, उनकी जो मूल्य है वो अलग है। देखो, मूल्य का तो कुछ लेना देना है नहीं कि भाई आपको अलग मूल्य दे रखे, अच्छे मूल्य, ये जो आपकी जो वैल्यू अलग से है ये भी नहीं। एप्टीट्यूड भी नहीं, अधिक्षमता वो भी नहीं है, क्षमता की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। लर्निंग स्टाइल्स, क्योंकि वो दोनों ही सीख रहे हैं, दोनों ही पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो एप्टीट्यूड तो होगा नहीं। सेकेंड थर्ड है लर्निंग स्टाइल, तो लर्निंग स्टाइल अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि एक को पसंद है ग्रुप में पढ़ना, एक को पसंद है अकेले पढ़ना, तो इनके जो लर्निंग स्टाइल्स है वो अलग है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है वो करेक्ट है, जबकि फोर्थ में जो लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी बोला तो ये तो होगा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है कि इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, हमारे भारत देश में बहुत तरीके की क्या है, विविधता पाई जाती है। किस रूप में डाइवर्सिटी, मतलब विविधता लिंग्विस्टिक रूप में, भाषाई रूप से पाई जाती है, क्योंकि हमें बहुत सारे, बेसिकली बहुत सारे कल्चर हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, कौन सा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल कथन सही है अबाउट मल्टीलिंगुअल क्लासरूम ऑफ प्राइमरी लेवल, स्पेशली क्लास फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मल्टीलिंगुअल बच्चे हैं, कौन सी क्लास है, फर्स्ट और सेकेंड में। अब इस हिसाब से आप बताइए स्टेटमेंट के बारे में क्या सही होगा। पहले कि स्टूडेंट शुड बी पेनलाइज फॉर यूजिंग देयर मदर टंग और लोकल लैंग्वेज, तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को रोक सकते हैं, पैनल कर सकते हैं, मतलब रोकना एक तरीके से, कि आप बच्चों को बोल सकते हैं कि छोटे बच्चे कि आप मदर टंग को यूज़ मत कीजिए, लोकल लैंग्वेज को यूज़ मत कीजिए, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। और सेकेंड ने बोला कि द स्कूल एडमिट ओनली दो स्टूडेंट हूज मदर टंग इज द सेम एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि अगर बच्चों का जो मदर टंग है वो अलग है, जब आप पढ़ाई करवा रहे, अगर मान लीजिए हिंदी है और बच्चे कहीं और क्षेत्र से आते हैं, मान लीजिए पंजाब से पंजाब क्षेत्र है, तो वो पंजाबी बोल रहा है बच्चा, तो आपकी क्या कीजिए, आप उसको क्या कर, उसको एडमिट ही मत कीजिए, है ना। ये बोल रहा है बेसिकली कि आपको खाली मदर टंग उन लोगों को करना नहीं है। फिर थर्ड बोलेगा टीचर्स शुड रिस्पेक्ट ऑल द लैंग्वेज एंड इंकरेज चिल्ड्रन टू कम्युनिकेट इन देम ऑल, आपको इंकरेज करना चाहिए कि बच्चों को, ताकि वो हर
क्षेत्र की भाषा में बात कर सके, हर अपने लैंग्वेज मदर टंग में बात कर सके। फिर फोर्थ में है द लैंग्वेज शुड इग्नोर चिल्ड्रन हु यूज देयर मदर टंग इन द क्लास। अब बच्चों को रोकना चाहिए कि मदर टंग में यूज मतलब मातृभाषा में बात मत करो। तो देखिए अगर आप ऐसा करने लग गए ना कि आप बच्चों को रोकने लग गए इस स्टेज पे, तो बच्चों में कुछ होगा तो नहीं बल्कि और उनमें नकारात्मक भावना आ जाएंगी, और खासकर उनकी जो स्टेज है 1 to 2nd, 1st to 2nd, बहुत ही मतलब बेसिकली इसमें कितनी एज ग्रुप की बच्ची होगी 1st 2nd में, 5 से 6 या फिर 6 से 7, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है ना, फिर 7 से 8, इतना बेसिकली इतना ही होगा, 6 से लेकर 5 इतने ही ज़्यादा ग्रुप एज ग्रुप बच्चे नहीं होंगे। और बल्कि इस स्टेज में तो आप उनकी लैंग्वेज को मोल्ड कर सकते हो, मोड़ सकते हो, आप उनको सिखा सिखा के बहुत अच्छे से कर सकते हो, और बल्कि आप उनके मदर टंग में ज़्यादा अगर उनको करोगे तो वो ठीक रहेगा। तो इस वजह से सारे ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है, खाली नहीं थॉट को छोड़ के, जिसने बोला था कि आपको उसकी भाषा का इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए, और क्या करना चाहिए उसको बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि सब आपस में बात कर सके इस तरह से, क्योंकि वो स्टेज ऐसी होती है कि जिसमें बच्चा लैंग्वेज एक्वायर बहुत इजीली कर सकता है। तो वो डिफरेंट अपनी आप जिसमें इंस्ट्रक्शन उसे देना चाहिए तो उसे मिक्सअप करके आप इजीली सिखा सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है, बाकी तो सब उसमें मदर टंग को मतलब रोकने की ही बात हो रही है और कुछ हो नहीं रहा, तो वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 में ये बोला है कि व्हाट इज मींस बाय नेचर एंड नर्चर कंट्रोवर्सी। देखो नेचर और नर्चर कंट्रोवर्सी की बात हुई है, तो बेसिकली इसमें ये होता है कि आपकी जो हेरिडिटी, नेचर मतलब हेरिडिटी यानी कि आपके जो जीन्स हैं, और जो नेचर यानी कि जो आपकी इन्वायरमेंट की बात हो रही है, तो दोनों ही मिलकर एक तरीके से मतलब एक इंसान के जो प्रोफेशन या कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं बेसिकली, नेचर और नर्चर, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। आप कैसे बच्चों को हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में कैसे, ये कॉन्ट्रोवर्सी। तो इसमें क्या होता है, पहला है कि द इन्वायरमेंट अराउंड अस, तो देखो इन्वायरमेंट की खाली बात हो रही है तो खाली ये तो गलत है। सेकंड है बायोलॉजिकल गिवन, बायोलॉजिकल देखो बायोलॉजिकल ठीक है, हेरिडिटी की बात है और हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन ये भी करेक्ट है, दोनों ही हमारे इसमें नेचर और नर्चर में आते हैं। थर्ड है टेम्परमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, देखो टेम्परमेंट यानी कि इमोशंस रूप में देखे तो ये तो हमारे सामने ऐसे ही गलत हो रहा है। फोर्थ है कॉम्प्लेक्स फोर्सेस ऑफ द फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड, अब कॉम्प्लेक्स फोर्सेस यानी कि ये जो मुश्किल फोर्सेस होती है, और फिजिकल फोर्स फिजिकल यानी कि भौतिक हो गया, सोशल सामाजिक वर्ल्ड, तो भौतिक तो यहाँ वर्ल्ड का तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बेसिकली आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का लेना देना था जो हमको सेकंड में दिख रहा है, बायोलॉजिकल गिवन एंड हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। अब क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला हुआ है कि मास मीडिया इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, यानी कि मास मीडिया जनसंचार की जो बात हो रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी हो गई समाजीकरण में। अब देखो जनसंचार के कौन कौन से माध्यम हो गए, कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, और न्यूज़पेपर भी हो गया, हाँ न्यूज़पेपर भी हो गया, और टेलीफोन हो गया, काफ़ी काफ़ी मीडियम है मास मीडिया के। तो और क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम बनता जा रहा है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला बोल रहे हैं कि मीडिया इज़ अ वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज एंड सेल प्रोडक्ट्स। देखो समाजीकरण में एक तरीके से हिस्सा तो है ये एडवर्टाइजमेंट का, पर समाजीकरण मतलब इसमें इतना अच्छे से थोड़ी ना हो पाएगा कि एडवर्टाइजमेंट तो वह सेलिंग का काम हो रहा है अपना। सेकंड ने बोला कि सोशलाइजेशन इज डन बाय द पेरेंट्स एंड द फैमिली ओनली, तो ये तो गलत है क्योंकि मास मीडिया की बात हो रही थी, पेरेंट्स कहाँ से इसमें आएंगे और फैमिली, क्योंकि मास मीडिया का आप मैंने आपको बता ही दिया कि कितना बड़ा एक क्षेत्र है, कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ा स्कोप है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। थर्ड ने बोला कि एक्सेस टू मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंसिंग एटीट्यूड वैल्यूज एंड बिलीफ, ये हमको बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि क्यों करेक्ट दिख रहा है कि मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ भी देख लेते हैं, चिल्ड्रन कांट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया, बच्चे क्या कर सकते हैं मीडिया से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट तो है सही नहीं है, क्योंकि मीडिया तो काफ़ी मतलब वास्ट एरिया में, सोशल मीडिया भी देख सकते हैं आप लोग। खाली जो थर्ड ऑप्शन दे रहा है एक्सेस टू मास मीडिया और ग्रोइंग मीडिया की बात हो रही है कि बच्चों की एटीट्यूड बदल देते हैं, वैल्यूज बदल देते हैं, बिलीफ, क्योंकि देखिए हमारे जो जो समाज समाजीकरण की बात हो रही है, आज के समाज में हमारे जो खुद का समाज है, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, न्यूज़ का, टीवी का बहुत इन्फ्लुएंस है बच्चों के ऊपर, लोगों के ऊपर, और उससे क्या हो रहा है लोगों के वैल्यू चेंज हो रहे हैं, उनकी धारणा, उनके जो मिसकंसेप्शंस होते हैं चीज़ों को लेके वो बदल रहे हैं, उनकी जो नेगेटिव धारणा है वो भी बदल सकती है, उनकी जो वेस्टर्नाइजेशन हो रही है इस वैल्यू वो भी हम लोग एक तरीके से ले सकते हैं, मतलब बहुत कुछ चेंज हो रहा है। और इस वजह से ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट है कि इससे क्या हो रहा है लोगों में मास उसको लेके काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा है, काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला हुआ है कि हाउ चिल्ड्रन लर्न, कि बच्चे कैसे सीखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सी बातें सही नहीं हैं। पहला है कि चिल्ड्रन लर्न इन क्लास इज क्लास ओनली, देखो क्या बोल रहे हैं
कि बच्चे ना सिर्फ क्लास में सीखते हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है, बल्कि जो लर्निंग जो होती है वो सार्वभौमिक होती है, वो कहीं भी हो सकती है। आप हो सकता है रेड लाइट पे खड़े हो, अब जो छोटा बच्चा रेड लाइट पे खड़ा होता है, टीचर ने उसे सिखाया नहीं है कि भाई रेड लाइट होने पर गाड़ी रुकती है, पर एक छोटा सा जो बच्चा होगा अगर वो बार बार देखेगा कि भाई गाड़ी में बैठा हुआ है कि गाड़ी रुक रही है और रेड लाइट जल रही है, जब भी रुक रहा है रेड लाइट जल रही है, वो ऑटोमेटिकली सीख जाएगा कि भाई देखो वहाँ पर गाड़ी रुकने से गाड़ी रुक मतलब रुक रही है, पंछी को देखेगा। तो ये तो लर्निंग खाली क्लासरूम लर्निंग नहीं होती, बल्कि इन्वायरमेंट से जितना बच्चे सीखता है उससे ज़्यादा कहीं नहीं सीखता बेसिकली, राइट। सेकंड ने बोला है कि चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर कॉग्निटिव रेडी, संज्ञानात्मक रूप से अगर बच्चे जागरूक होते हैं तभी सीखते हैं। अच्छा तो ठीक है, देखते हैं आगे। फिर बोले चिल्ड्रन लर्न इन अ नंबर ऑफ वेज, यानी कि बच्चे क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो ये बात भी थोड़ी ठीक है कि बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, है ना। और फिर बोल रहे हैं कि फिर बोला हुआ है कि चिल्ड्रन लर्न एज आर नेचुरली मोटिवेटेड, यानी कि बच्चे तभी सीखते हैं जब वो मोटिवेट होते हैं। हाँ ये भी ठीक है। तो देखो फर्स्ट में तो हमने फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, हमको हमने वैसे ही देख लिया। अब क्वेश्चन में नॉट ट्रू के बारे में पूछा हुआ था, क्योंकि बच्चे ने पहले थर्ड सेकंड में कॉग्निटिव रेडी है, तो ये बात भी ठीक है। थर्ड ने बोला हुआ था कि बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं, ये भी ठीक था। और फोर्थ में नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं तब सीखते, तो ये भी ठीक है। खाली जो ऑप्शन फर्स्ट है कि बच्चे खाली क्लासरूम में सीखते हैं, वो इनकरेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ने बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड अ प्राइमरी स्कूल टीचर अडॉप्ट टू मोटिवेट द चाइल्ड, यानी कि एक प्राइमरी टीचर, यानी कि आप फिफ्थ क्लास तक पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आपका क्या रोल होगा बच्चों को प्रेरित करने में, अभी प्रेरित करने में, मोटिवेट करने में। पहले कि इंकरेज कॉम्पिटिशन फॉर मार्क्स अमॉन्ग्स इंडिविजुअल स्टूडेंट। अब मार्क्स की बात हो रही है, कॉम्पिटिशन की बात हो रही है, ऑप्शन रॉन्ग होंगे, सॉरी ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड में बोला है कि यूज इंसेंटिव्स रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट एज अ मोटिवेटेड फैक्टर फॉर ईच एक्टिविटी। आप क्या कीजिए, आप रिवॉर्ड दीजिए, पनिशमेंट दीजिए और बच्चों को मोटिवेट कीजिए। आप कब तक पनिशमेंट देंगे, कब तक रिवॉर्ड देंगे, आप इतनी देर तक तो दे नहीं सकते, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। आप कितने उसको पनिशमेंट करेंगे गलतियों पर, रिवॉर्ड दे के एक लिमिट में करेंगे। फिर है हेल्प चिल्ड्रन सेट गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट एंड सपोर्ट देम इन वर्किंग टूवर्ड द सेम, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, उनके जो गोल्स हैं, उनके जो खुद की चीज़ों को करना चाहते हैं, उनकी जो रुचियां हैं, आप उसको प्रेरित कीजिए, तो ये करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा गोल पे टिक मारिए। फोर्थ में है सेट स्टैंडर्ड गोल्स फॉर द एंटायर क्लास, अब सभी के लिए गोल एंटायर क्लास के लिए सेट कर दीजिए, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चों की विभिन्नताएं अलग होती हैं, चीज़ें अलग होती हैं, तो इस वजह से आप सिर्फ कभी एक ही चीज़ों पे सब बच्चों को गोल सेट नहीं कर सकते हैं। और रिजिड पैरामीटर बोल रहा है फोर्थ में, वो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी गलत होगा, है ना। तो खाली जो क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड है कि आप बच्चों की मदद कीजिए, उसके इंटरेस्ट में, उसके सपोर्ट में, उसके काम में हेल्प करवाने में, वो करेक्ट हो जाता है, बाकी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 ने बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की बात हो रही है यहाँ पे। समाजीकरण सोशलाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे बच्चे समाज से घुलते मिलते हैं और उसी से सीखते हैं, चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो बोल रहे हैं कि सबसे जो प्राइमरी एजेंट मतलब प्राथमिक, देखो प्राथमिक का मतलब सबसे पहले बच्चे कहाँ समाजीकरण की चीज़ें सीखेंगे, वो होगा उसका घर होगा, उसका जहाँ पे वो रह रहा है, छोटा सा बच्चा जो रहेगा सबसे पहले वहीं सीखता है। इस वजह से फर्स्ट बोला था फैमिली, सेकंड बोला है कंप्यूटर, थर्ड बोला है हेरिडिटी, फोर्थ बोला है पॉलिटिकल पार्टीज। फैमिली यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले बच्चे अपने परिवार से ही घुलते मिलते हैं, इस वजह से फैमिली जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। और सेकंड में कंप्यूटर बोला, तो कंप्यूटर से सोशलाइजेशन कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो आगे का प्रोसेस है, टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। थर्ड ने बोला कि हेरिडिटी वंशानुक्रम, तो समाजीकरण वंशानुक्रम बिल्कुल दोनों ही अलग अलग पक्ष हमारे सामने आते हैं, इस वजह से ये भी करेक्ट नहीं होगा। फोर्थ ने बोला पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि राजनीतिक जो पार्टियाँ होती हैं उसकी बात हो रही है, तो ये भी ये मतलब समाजीकरण का क्या रूप होगा इसमें, तो ऐसे ही इनकरेक्ट है, खाली जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला हुआ है कि गिविंग चिल्ड्रन ग्रुप वर्क इज एन इफेक्टिव पेडागॉगिक स्ट्रेटेजी सेंस, यानी कि बच्चों को जो हम काम करते हैं ग्रुप में, पेडागॉगिक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो ये क्यों जरूरी हो जाता है, सबसे अच्छा क्यों होता है। पहले बोला कि इट हेल्प टू रिड्यूस द टीचर वर्क, ये इससे क्या होगा, अगर आप ग्रुप में बच्चों को मतलब वर्क देंगे तो इससे टीचर का काम कम हो जाएगा। देखो काम कम करने की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन ऐसे काट दो, रॉन्ग कर दो, क्योंकि टीचर का काम अगर कम करने की कभी बात नहीं होती, आपका टीचर अगर आप टीचर हो तो आपका काम है कि चीज़ को करना, आपका काम ज़्यादा है तो अच्छी बात है, कम है तो सही नहीं है।
फिर सेकंड ने बोला कि इट अलाउज सम चिल्ड्रन टू डोमिनेट दैट अदर्स इन स्मॉल ग्रुप्स, यानी कि आपका काम है कि जो बच्चे अलग ग्रुप में हैं वो उनको डोमिनेट करें, तो ये भी गलत है कि कुछ ही बच्चे खाली बच्चों को डोमिनेट करेंगे, ये तो गलत है। थर्ड ने बोला कि चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन लर्निंग प्रोसेस, यानी कि बच्चे क्या करेंगे वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे किस तरीके से लर्निंग प्रोसेस में। तो ये देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, क्योंकि अगर बच्चे अगर अधिगम में लर्निंग में अगर एक दूसरे की मदद करते हैं तो उससे क्या होगा कि उनकी जो खुद की लर्निंग है बहुत अच्छे से होगी, खुद सीखेंगे खुद समझेंगे, राइट। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। अब फोर्थ में देखो क्या बोला था, फोर्थ में बोला कि चिल्ड्रन विल बी एबल टू डू देयर वर्क क्विकली, देखो काम तो जल्दी होगा सीखेंगे जरूर, पर जरूरी नहीं कि हर टाइप के बच्चे स्पीड में काम करते हो, राइट। तो वो क्या हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो खटाड़ है वो वही करेक्ट है, बाकी ऑप्शन इतना ऑथेंटिक करेक्ट नहीं है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अ चाइल्ड विथ नॉर्मल इंटेलिजेंस शोज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। अब देखो नॉर्मल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, एक बच्चा सामान्य बुद्धि का बालक होता है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज मतलब चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। आप जो उसको पूरा एक इंग्लिश का हो सकता है कि आप पूरा पैराग्राफ दो, या फिर हिंदी का पूरा वो दो, क्या बोलते हैं पैराग्राफ दो, या फिर पूरा सारांश दो, वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये बोल रहा है, और लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है उनको, तो ये क्या बता रहा है बच्चे के बारे में, उसे क्या टाइप की प्रॉब्लम है। पहले ये बात है डिसलेक्सिया, सेकेंड है डिसग्राफिया, थर्ड है डिसकैलकुलिया, और फोर्थ है डिसप्रेसिया। देखो देखो चारों ही समझते हैं होता क्या है। पहला होता है डिसलेक्सिया, इसमें क्या होता है बच्चों को लिखने सॉरी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे ए को सॉरी बी को डी पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जो चीज़ें जो होती हैं वो बहुत तरीके से क्या कहते हैं सेम होती हैं। फिर हमारा आता है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया क्या होता है, डिसग्राफिया ये होता है कि जब बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, जब बच्चों लेटर्स डिफ्रेंशिएट ये भी बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है। और थर्ड है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया क्या होता है, जब बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है वो होता है डिसकैलकुलिया। और फोर्थ है डिसप्रेसिया, जब बच्चों को मानसिक रूप से कुछ प्रॉब्लम होती है तो छोटे माइंड लेवल पे, छोटे लेवल पे होता है, काफ़ी इतना बड़ा नहीं होता, तो ये होता है डिसप्रेसिया। तो देखो इन चारों में ही हमें सिर्फ डिसप्रेसिया है जो बता रहा है कि इस बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम है, इस बच्चे को है पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये क्या हो गया रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इस वजह से हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाता है, कि जो ये रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन की बात होती है वो किससे रिलेटेड है, डिसलेक्सिया की। तो ओके, तो आज हमने बेसिकली थर्ड क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिए, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आज हम बेसिकली इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व और डिस्कस करेंगे।